अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है हमारी YouTube फैमिली? माशाल्लाह हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज हम बनाएंगे अंडे और पराठे एक में। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे, और खोबरे की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपने अंडे और पराठे। जिसके लिए देखिए हमने एक बाउल मैदा लिया है, ये करीब 150 ग्राम होंगे। ये दो अंडे हमने अंडे तोड़ लिए हैं, इसी में हम इनको डाल देंगे। और ये हमने लिए हैं, इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून। देखिए ये ब्लैक नमक है, ब्लैक सॉल्ट जाएगा, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून करीब रिफाइंड ऑयल, 1/2 कप दूध, ये नॉर्मल दूध है जो हम चाय बनाते हैं वही दूध है ये। इसको हम इसमें डाल के इसका डो तैयार करेंगे, थोड़ा लिक्विड रहेगा हमारा। सो गाइस देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, इसी कंसिस्टेंसी में हमको चाहिए इस तरह। आज हम आप लोगों का काम आसान करने जा रहे हैं। ठंडियों में रोटियों या पराठा बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो हम सोच रहे हैं चलिए आज 2 in 1 करते हैं, अंडे पराठे एक साथ बना लेते हैं ताकि रोटी बनाने का झंझट ही ख़त्म हो जाए। तो देखिए इसको हम बना रहे हैं इस तरह से। बैटर को हम नॉनस्टिक पैन में डालेंगे इस तरह फैलाते हुए। 2 चम्मच तेल पहले से डाल दिया था, आपको शायद दिख रहा होगा कैमरे में। हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी न किया करें, लाइक करना तो बिल्कुल फ्री है। सो देखिए इस तरह से हमने फैला दिया है। अब 2 मिनट हम इसको पकाएंगे एक साइड से, फिर हम इसके पलटी करेंगे। हमें स्लो फ्लेम पे पकाना है, फ्लेम तेज़ नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारे पराठे जल जाएंगे। चलिए अब हम इसको पलट लेते हैं। एक साइड का हमारा हो चुका है माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह देखिए कितना बढ़िया हमारा पराठा सिका है। ना तो हमें रोटी बनाना पड़ेगा और ना ही तो पराठे, एक साथ हमारा दोनों हो गया, है ना मज़ेदार ट्रिप। अब हमारा इधर का भी हो गया, अब हम इसको अपने प्यारे से प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह देखिए। सो गाइस हमने आज यूनिक रेसिपी बनाई है, जिसके लिए हम यूनिक चटनी भी बनाएंगे अपने पराठे से खाने के लिए। जिसके लिए हमने लिया, देखिए ये पुदीना है, बिल्कुल फ्रेश है, और ये कुछ कड़ी पत्ता, ये हरा धनिया, और ये देखिए गरी यानी कि खोबरा, और ये खसखस है। हम इन सब की चटनी बनाएंगे। इसमें हम 2 हरी मिर्च डालेंगे, जिसमें हम 2 मिर्ची तोड़ के डालेंगे कि ज़्यादा तीखा ना हो, आराम से बच्चे भी खा सकें। और एक हम ये देखिए लहसुन लिए छील के, और इसमें हम 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे। हम काला नमक यूज़ करते हैं इसलिए कि इससे डाइजेशन भी सही रहता है और टेस्ट भी बढ़िया रहता है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब पीस के आपसे मिलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। तड़का देने के लिए हमने सबसे पहले डाला है कड़ी पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा, इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए हम इसका तड़का दे रहे हैं। थोड़ा हम इसमें सरसों डाल देंगे, और ये 2 मेरी लाल सूखी मिर्ची है, इन चीज़ों का हम इसमें तड़का देंगे। ज़बरदस्त मसाला खुशबू आ रही है, आप देख लीजिए, इसके स्वाद में भी 4 चांद लग जाएगा और खूबसूरती में भी। एक बार आप ज़रूर आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखना, नहीं आप सोचेंगे कि अपने मुंह से हम केवल अपनी तारीफ़ करते हैं।
आप बना के देखेंगे तो खुद कहेंगे माशाल्लाह कितनी बढ़िया बनी है। वाह, ये देखिए बन गई हमारी चटनी, खोपरे की चटनी और हमारे अंडे पराठे बन के बिल्कुल रेडी हैं। आ जाइए सब लोग मिलके खाते हैं और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।